उन्होंने चार क्वेश्चन किए थे, पांच क्वेश्चन किए थे प्रोबेबिलिटी पार्ट वन में, शायद चार थे मुझे ऐसा लगता ना, तीन थे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सुनो कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ऐसा मत सोचो कि ये ही रखे मिलेंगे, बट ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन तो है, बट ये वो क्वेश्चन सिलेक्ट होके आपको बताता हूँ जिनसे प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन्स 2n+1 कॉइन, एक बैग है भैया, ये रहा बैग, इस बैग के अंदर टोटल कॉइन कितने हैं, 2n+1 है। ठीक है, अब n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, चलिए 2n+1 कॉइन्स है। ठीक है सर, चलिए, इट इज नोन, ऐसा पता है कि दैट n-1 ऑफ दीज कॉइन्स हैव अ हेड ऑन बोथ साइड, मतलब सोले वाली मूवी का ये कॉइन है, ऐसा कॉइन है जिसके दोनों तरफ क्या है, हेड। कितने कॉइन है ऐसे, n-1, तो इसके अंदर n-1 जो कॉइन है ना वो बाइस्ड कॉइन है। कैसे है, बाइस्ड होता है ना, खोटा सिक्का, दोनों तो हेड है। अच्छा, टोटल 2n+1 है, उसमें से n-1 बाइस्ड है, तो भैया अनबाइस्ड कितने, माइनस कर लो, 2n+1 में से माइनस कर दो, तो ये क्या होगा भैया, n+2, ये ऐसे क्या है, फेयर कॉइन है, क्या चमका। ठीक है, फेयर कॉइन है मतलब इनमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्या चमका। पंकज भैया बताएंगे, जो ये वाइज्ड कॉइन है मतलब दोनों तरफ हेड है और उस पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। बहुत सही, और हेड आने की वन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर कह रहे हैं इस तरीके के कॉइन इस बैग के अंदर है, कह रहे हैं अ कॉइन इज पिकअप एंड टॉस, अब क्या किया हमने, एक कॉइन निकाला और उसको टॉस कर दिया, क्लियर है। फिर आगे बताया गया कि जिस कॉइन को टॉस किया है ना उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंटेलेक्चुअल और बड़ा ही पिक्यूलर क्वेश्चन है। क्यों, अभी तक प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी, यहाँ पहले से ही गिवन है, दे ही दिया है आपको कि भैया उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके पक्की बात है। अब लेकिन हमारे जो डाउट हैं कि सर ये कंडीशनल से होगा, सर ये बेस से होगा, या सर ये किस से होगा, और देखते हैं चार प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे, जल्दी बता दूं आपको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ना, थ्योरम ऑफ टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोब, ये चार थे। अब सर ये किससे होगा, देखो मुझे भी नहीं पता किससे होगा, कंसेप्ट समझो, क्या कोई कंडीशन गिवन है। अब ये मत कहना ज्यादा ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे, बहुत से बच्चे कहते हैं हाँ सर प्रोबेबिलिटी ये आएगी ये तो गिवन है, नहीं, जितने भी कंडीशनल क्वेश्चंस होते थे मल्होत्रा उसमें कोई कंडीशन गिवन होती थी ना, कंडीशन गिवन होती थी कि दोनों तरफ हेड है और मतलब अगर एक कॉइन को टॉस किया तो हर बार हेड आ रहा है, मान लो ये कंडीशन गिवन हो गई, यस और नो। जैसे एक बॉल निकाल रही है और पता लगा जो बॉल हमने निकाल ली है वो रेड है, ये कंडीशन गिवन हो गई, तो कंडीशनल तो हो नहीं सकती, कोई कोई कंडीशन गिवन नहीं है, पक्की बात है। हाँ बेटा कोई बोला, फेयर 2n+1 - n-1, ओ हो, 2n में से n गया 1 तो n बचा ना, और 1+1 तो n माइनस वन डायरेक्ट, वीडियो बनना है वरना हिसाब होता है इसका हिसाब होता है इसका तो बेटे, मतलब यार ये कोई बात है क्या, एक बॉक्स है या बैग है उसमें 2n+1 कॉइन है टोटल, अब n-1 बाइस, ये माइनस है, यहाँ प्रोबेबिलिटी लगाई नहीं हमने, यहाँ तो प्लस माइनस किया हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज सुनो तो बेस थ्योरम लगेगी नहीं क्योंकि अब आ जाओ या तो सर मल्टीप्लिकेशन या TTP, अभी का सुनो मल्टीप्लिकेशन लगेगी नहीं लगेगी क्योंकि एक ही कॉइन निकाला जा रहा है, जब दो या दो से अधिक इवेंट होते हैं तो आंख बंद करके कह दो यही लगेगी, सिंपल सी। तो ये तरीके हैं जादू अपने आप को भैया आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी थ्योरम लगेगी, ठीक है, बस ये थोड़ा सा तरीका। चलिए अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर ये तो पता लगी TTP लगेगी, लेकिन होती क्या या लगेगी कैसे, मैंने वन शॉट में सारा बताया था, चलो देखते हैं। अब एक बात सुनो, अब इस बैग में से अगर आपने एक कॉइन निकाला तो भाटी पक्की बात है या तो वो वाइज्ड कॉइन आएगा या वो अनवाइज्ड कॉइन आएगा, ठीक है ना। तो पिकअप, ये थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, पिकअप वाइज्ड कॉइन और पिकअप फेयर कॉइन, फेयर कॉइन या अच्छा, और गिवन क्या है, कह रहे हैं कि जो कॉइन निकाला है वो हेड है उसके आने की प्रोबेबिलिटी है, तो सॉरी कम्स हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी
क्या बात समझ आ रही है? यहाँ से मैं चलो अगली लाइन में लिख देता हूँ, बहुत से बच्चे अगर कंफ्यूज होंगे तो। ए क्या है? हेड आने के, तो पी ए क्या होगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी है? क्या चमका ए, मैंने एक ऐसा इवेंट लिया है वो कह रहे हेड आ जाए। क्यों सर आपने हेड ही क्यों लिया? अरे भाई तो हेड की बात हो रही है, जो फेवरेबल आउटकम्स होता है जिसकी बात होती है उसी को हम लेते, यहाँ पे टेल की कहीं बात होगी ही नहीं, ठीक है सर। अच्छा अब सुनो, अब कॉइन आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसमें हेड कैसे? अगर एक बात सुनो, आपने भाटी कॉइन निकाला, हो सकता है वो बाई चाया हो और फिर उसे टॉस करोगे, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। हो सकता है आपने कॉइन निकाला वो फेयर आया हो और फिर हेड आने पर, तो समझेंगे बड़े ध्यान से। अभी तो मैं इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में हमारा एम तो ये ना कि हम एग्ज़ाम में कैसे करके आएंगे, बट मैं इसको समझाऊंगा अभी, कोई बच्चा इसको रटेगा नहीं, समझेंगे अभी इसको। थोड़ा लिखना पड़ता है कि फॉर्मेलिटी आई है, समझते हैं इसकी वैल्यू, अब इसको सारे बच्चे समझेंगे। पी ईवन मतलब एक ऐसा कॉइन निकाला है जो क्या है? वाइज वाइज, क्योंकि देखो इस बैग के अंदर दो ही कॉइन है, या तो वाइज है या फिर अनवाइज है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक निकल गया है। मैंने कहा सपोज यार वाइज कॉइन निकल गया है, तो वाइज कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी एन माइनस वन और टोटल कितने? टू एन। क्या चमका? बैग कितने हैं, और सॉरी वाइज कॉइन कितने हैं? एन माइनस वन, तो एन टोटल कितने? टू एन प्लस वन। यस और नो? अरे जैसे एक बैग है बेटे, इसमें टू रेड बॉल हैं और थ्री ग्रीन बॉल हैं, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है? टू, और टोटल कितनी है? तो यहाँ वाइज कॉइन कितने? एन माइनस वन, और टोटल कितने? टू एन प्लस वन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब हमको पता लग चुका है कि जो कॉइन आए वो क्या है? वाइज, मतलब दोनों तरफ हेड है, और फिर हेड आ जाए, सिंपल सी बात है। यस और नो? आगे बढ़ो। प्लस ई टू मतलब कॉइन कौन सा आया? फेयर, फेयर कॉइन निकल गया, मतलब एन प्लस टू अपॉन, अब सुनो, अब फेयर कॉइन निकल गया आया और फिर हेड आ जाए, वन बाई टू, वन बाई टू। अब भाई साहब कायदे में देखा जाए, ये एक बच्चों वाली क्लास सिक्स की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है, सॉल्व तो मैं कर दूंगा बट आप भी कर सकते, लॉजिक समझो इसमें। बेस थ्योरम में यहाँ पे नीचे डिवाइड भी होता था, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। बेस थ्योरम भैया कोई कंडीशन गिवन होती थी और हमारे पास चॉइस होती थी कि वो कॉइन इस बैग का है या फिर इस बैग का है, यहाँ तो एक ही बैग है, चॉइस ही नहीं हमारे पास कोई, और कंडीशन भी गिवन नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अरे अगर डाउट है तो भाटी बताओ कि सर थोड़ा सा ये डाउट आ रहा है, कुछ भी अगर किसी बच्चे को भी ये लग रहा है कि सर आपने कैसे टीटीपी लगा दी, ठीक है। अब केवल और केवल क्या होगा भैया, इसमें कैलकुलेशन होगी, चलो मैं इस साइड में कर देता हूँ। पायल दिख रहा है बेटा ये? ठीक है, तो n की वैल्यू एलसीएम ले लो, कितना आएगा भैया? 2n प्लस वन एलसीएम आया, पक्की बात है जी? 2 भी ले लो, चलो इसी के साथ ये 2 यहाँ पे ले लें, यार केवल कैलकुलेशन है, वीडियो को क्यों लें दिख, चलो छोड़ो मैं ले, ये आ गया, तो फिर ये हुआ 2n माइनस टू और प्लस n प्लस टू, क्लियर है सर? 31 अपॉन 42, तो 3n हो गया, और ये कितना हो गया? 4n, अरे काम लगा 2 से काट, ख़त्म करो यार इसको, क्यों काट भी सकते हैं, तो ये कितना हो गया? 21, 2n प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 62n प्लस 31 63। अब ये इधर आके क्या होगा भैया हमारे पास? माइनस होगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 31। तो उसमें टोटल कॉइन कितने हैं भैया? 31 नहीं है टोटल कॉइन, तो 2n प्लस 1 है, ये तो n की, खैर क्वेश्चन में तो हमसे n ही पूछा था, अगर वो ये पूछता कि टोटल कॉइन कितने हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2n प्लस 1। यस और नो? या डाउट लग रहा तो बताओ, सो बस ये समझना है आपको कि सर कौन सा इसमें लगेगा। मैंने पहले समझा तो दिया, कंडीशनल क्यों नहीं है, बेस क्यों नहीं है, मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं है, ठीक है।